गौरव भाटिया बताइए जरा, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एक केस अमूमन सीबीआई को सॉल्व करने में कितना समय लेती है सीबीआई? रोहित जी थोड़ा समय दीजिएगा, क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे सवाल कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि पेट्रोल की टंकी से कम ड्राइविंग सीट में तो आ गए हैं कि महाराष्ट्र के बारे में सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था 65 दिन तक, इसलिए सीबीआई को जांच दी। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी एनसीबी में, कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये विफलता तो आपने टीटी पे मान ली है। और सबसे अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, और चाहे ईडी की जांच हो, जो वहां पे ऑफेंस है, सब में कार्रवाई होगी, और चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करके जिसको जेल की सलाखों के पीछे जाना है वो जरूर जाएगा। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि ये जल्द ही जो है कार्रवाई हो जाए, तो सीबीआई जो है मेरे भाई, मैं आपको इतना आश्वासन दूंगा कि बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, जो गुनेगार हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और बाकी मामलों में भी, उनको सजा होगी। अब मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा अजीब लगता है जब आकाशदीप जी कहते हैं कि क्यों बॉलीवुड को, इनके तर्क सुनिए। केवल बॉलीवुड नहीं है, जहां पे भी कोई व्यक्ति सेवन करेगा नशीले पदार्थों का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर बॉलीवुड में कार्रवाई हो रही है तो आपको दिक्कत क्या है? ये किस तरह का तर्क है रोहित जी? थोड़ी थोड़ी जो ले ली थी, थोड़ी थोड़ी कोकेन पे ली थी, अरे थोड़ी थोड़ी, क्या आप अपने घर के माता पिता का सर्जरी ऐसे डॉक्टर से कराएंगे जो कोकेन लेके सर्जरी कर रहा हो? क्या दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर ऐसी फ्लाइट में बैठेंगी जिसके पायलट ने थोड़ी थोड़ी कोकेन ले ली हो? नहीं बैठेंगी। इसलिए हमें कानून से चलना है। एनडीपीएस एक्ट अगर बताता है कि कोई चीज अपराध है तो उसको अपराध ही माना जाएगा और उस पे कार्रवाई। जवाब तो दे दीजिए, सीबीआई कितना टाइम लेती है एक केस को सॉल्व करने में अमूमन, ये तो बताइए। हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखिए सीबीआई ये केस टू केस डिपेंड करता है, किस तरह के तथ्य सामने आए हैं, किस तरह से ऐसे प्रमाण मिल गए हैं कि चार्जशीट फाइल हो, और उसका भी समय दिया है। लेकिन एक बात जरूर है, जिस केस में, अगर आपकी पार्टी के नेता खुलेआम टीवी पे बैठ के पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन बताते हैं, उस केस को सीबीआई अब तक जांच करके पड़ताल करके तय नहीं कर पाई कि इसकी हकीकत क्या है, आप ही लोगों से पूछ लेती। आप लोग तो खुलेआम बताते हैं टीवी पे बैठ के। फिर रोहित जी हम तो आज भी कह रहे हैं, लीजिए मैं कह रहा हूँ, पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन, पापा गौरव जी, लेकिन आप वकील हैं, आप इस बात को जानते हैं, अदालत में वही चीज ठहरती है जिसके पीछे सबूत होते हैं। क्या आप ये स्वीकार करते हैं सीबीआई हो सकता है अभी तक सबूत जुटाने में नाकाम रही है, या फिर आपने वाकई हाथ मिला लिया जैसा गणेश को शक हो रहा है जो पहले दिन से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसके मिले हम सबको पता है, बेबी पेंगुइन का हाथ कहां कहां मिला हुआ हमें पता है। मेरी बात सुनिए, अगर जल्दबाजी में चार्जशीट फाइल हो जाए और वो कोर्ट में प्रमाणित ना करी जाए तो व्यक्ति छूट जाएगा। इसलिए जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं। दूसरी बात, सीबीआई, ईडी और एनसीबी स्वतंत्र एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे दबाव सरकार नहीं बनाती है, तो यही तो फर्क है। ये परियोजना कितनी लंबी है सर? सरकार में उनको अपना काम करने दीजिए। ये परियोजना कितनी लंबी है सर? तो एनसीबी ने भी करी है। बिहार चुनाव के नतीजे तक पूरी हो जाएगी या उसके बाद भी कुछ और दिन लगेंगे? अच्छा, मतलब बिहार चुनाव से इसे आपने जोड़ दिया? स्टिकर आपकी पार्टी ने लगवाया सर? मैंने तो नहीं लगवाया, सुशांत सिंह की फोटो वाले उन्होंने क्या बोला सर? सुशांत सिंह की फोटो के स्टिकर आपकी पार्टी ने लगाए कि मैंने